आपने हैंडपंप से पानी निकलते तो देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस की आंखें तब खुली की खुली रह गई जब हैंडपंप चलाने पर अवैध शराब निकली। प्रदेश में इन दिनों नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद पुलिस, आबकारी विभाग और स्थानीय प्रशासन अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही है। इसी सिलसिले में पुलिस ने जब गुना में छापा मारा तो उनको एक ऐसा हैंडपंप मिला जिससे पानी नहीं बल्कि शराब निकल रही थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। गुना में माफिया ने शराब निकालने के लिए हैंडपंप लगा रखा था। पुलिस ने जब हैंडपंप चलाया तो हैरान रह गए, यहाँ हैंडपंप से पानी की जगह शराब निकल रही थी। पुलिस ने सोमवार को अवैध शराब के ठिकानों पर कार्रवाई में लगभग 6000 लीटर निकली शराब जब्त की है। अवैध शराब के विरुद्ध जो अभियान पुलिस स्तर में चलाया जा रहा है उसमें गुना जिले के द्वारा भी, जिला पुलिस द्वारा भी इस अभियान को गति प्रदान की गई है। और कल रावगढ़ और चाचौड़ा दोनों थाना क्षेत्रों में जो सूचना थी हमारे पास उसके आधार पर दबिश दी गई थी और इस कार्रवाई में कुल मिलाकर लगभग 1400 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है और लगभग 12000 लीटर लहान को नष्ट किया गया है जो कि शराब बनाने के लिए काम में आता है। और इसमें विशेष बात यह है कि जो शराब बनाई गई थी उसको जमीन के अंदर ड्रम में गाड़ कर रखा गया था और उसको खोदने के बाद और फिर पंप से बाहर निकाला गया और इसमें कुल मिलाकर 6 प्रकरण दर्ज किए गए। जानकारी के मुताबिक भानपुरा में आरोपियों ने जमीन के अंदर एक टंकी गाड़ रखी थी और उसमें हैंडपंप लगा दिया था ताकि किसी को कानो कान खबर ना लगे। लेकिन पुलिस ने जैसे ही हैंडपंप चलाया उसमें से शराब निकलने लगी और इसका भांडा फोड़ हो गया। एमपी में पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई कर 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये मामला पहला नहीं है जब एमपी पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले माफियाओं पर कार्रवाई की हो। इससे पहले भी पुलिस और आबकारी विभाग ने कई बड़ी छापेमारी के दौरान हजारों लीटर शराब बरामद की है। पुलिस के इस छापेमारी से साफ है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। बहरहाल सीएम शिवराज के निर्देश पर पुलिस एक्शन मोड में है और इस छापेमारी से काफी हद तक अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाई जा सकेगी।